हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द हेयरिंग ऑफ द जो कोर्ट केस फाइल हुआ है हाई कोर्ट में रिगार्डिंग द एडमिशन फॉर द जो वेरियस कोर्सेज थे, उसमें एक कैटेगरी बेस्ड एक कैटेगरी का कोई इशू था, CDB कैटेगरी का, जिसमें एक केस फाइल हुआ था हाई कोर्ट में, जिसकी वजह से आई थिंक जो डिले हुई है काउंसलिंग एट JKBP, और क्योंकि 10th बेस परमानेंट की वो काउंसलिंग चल रही थी और एक दिन होने के बाद वो रोक दी गई। उसके बाद 12th बेस पैरामेडिकल का और BSc नर्सिंग की भी अभी तक की कोई काउंसलिंग की डेट्स नहीं आई है। और जैसे कि आपको पता था कि जो सोशल मीडिया और आपका जो इंटरनेट है उसमें बता रहे थे कि 29 अगस्त को उसकी हेयरिंग है, और वैसे तो आज तो स्ट्राइक भी थी बार एसोसिएशन की, तो अब 29th को ये जो हेयरिंग थी। अभी ये जो मैं उसको थोड़ा सर्च करता हूँ, तो मुझे जो डाटा अवेलेबल मिला फ्रॉम द इंटरनेट, उसमें यही बता रहे हैं कि जो कोर्ट है वो उसने पोस्टपोन किए हेयरिंग, और आई थिंक ये डेट कुछ एक्सटेंड हुई है। इसके ऊपर जो जजमेंट आनी थी उसकी जो डेट है वो फर्दर एक्सटेंड हुई है। देखिए, अभी ये जो सर्कुलेट हो रहा है ये नेट पे ही ये चीज़ें अवेलेबल हैं। आई एम नॉट श्योर कि वेदर दिस इंफॉर्मेशन, दिस न्यूज़ इज़ हाउ मच इज़ करेक्ट। ठीक है, मैंने सर्च किया, मुझे ये न्यूज़ मिली, तो मैं सोचा मैं आपसे के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे फॉर द काउंसलिंग। ठीक है, और ये फर्दर अगर ये डिले हुई, अगर ये न्यूज़ सच है, तो थोड़ा अब इसमें और टाइम लग सकता है। तो उसमें अगर मैं बात करूँ, इन्होंने साथ में जो ये जो न्यूज़ डाली है ब्रेकिंग न्यूज़, उसके साथ इन्होंने शायद ये एक केस की डिटेल भी साथ शेयर की है इसी पेज में, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया था। आई डोंट नो वेदर दिस इज़ द राइट केस और समथिंग एल्स, बट जो उन्होंने इस न्यूज़ के साथ साथ शेयर किया है वो मैं आपके साथ आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि इन्होंने यहाँ पर ये इनकी वेबसाइट होती है आई थिंक हाई कोर्ट की, वहाँ से इन्होंने ये डाटा लिया हुआ है। ये जो फिलिंग डेट है, मतलब इस फाइलिंग नंबर है, ये फाइल हुआ है केस आई थिंक इस स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंगली 4th अप्रैल 2022 को, और इसको फाइलिंग नंबर भी इन्होंने ये दिया हुआ है, केस टाइप क्या है, WPC रजिस्ट्रेशन नंबर भी इसमें मेंशनड है, CNR नंबर भी यहाँ पर मेंशनड है, और डेट भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। और ये देखिए केस स्टेटस का ये इसमें मेंशन करें कि 6th अप्रैल को ये हुआ है, फर्स्ट हेयरिंग इस पर हुई है, नेक्स्ट हेयरिंग इसकी अब होगी 26th सितंबर को, स्टेज ऑफ केस क्या है, फॉर एडमिशन आफ्टर नोटिस, बेंच सिंगल बेंच में है, ये स्टेट जम्मू कश्मीर है, डिस्ट्रिक्ट जम्मू है, जुडिशियल अदर रिट पटिशन इसमें मेंशन है, ये कॉज लिस्ट दी हुई है, रेगुलर डेट फिक्स्ड, ये ऐसे इसमें मेंशन किया गया है, पिटिशनर एडवोकेट ये मेंशन है, रेस्पोंडेंट एंड एडवोकेट यहाँ पर मेंशन किया गया है, और अंडर एक्ट अंडर सेक्शन ये इसमें मेंशन किया गया है, IA नंबर, पार्टी इन्होंने बताया है, डेट ऑफ फाइलिंग बताया हुआ है, पेंडिंग बताया हुआ, और नेक्स्ट डेट इसमें ये जो बता रहे हैं एज पर दिस स्क्रीनशॉट जो इन्होंने इस नेट गूगल पे जो अभी अवेलेबल है डाटा उसके अकॉर्डिंगली, तो अब ये तो 29th अगस्त को ये काउंसलिंग थी, और अब ये 29th अगस्त को इसकी हेयरिंग थी, और अब ये जो नेक्स्ट डेट ये बता रहा है 26th सितंबर ये बता रहा है अब ये, तो आई डोंट नो वेदर हाउ मच इज़ द ऑथेंटिक दिस न्यूज़ ऑन द गूगल, बट वट आई हैव रिसीव्ड आई हैव शेयर्ड विद यू। इसके न्यूज़ के ऊपर मुझे अभी शोर्ट ही नहीं है वेदर इट इज़ ए करेक्ट न्यूज़ और वेदर इट इज़ ए सम फेक न्यूज़, लेकिन आप अपने एंड से भी एक बार JKBP में या तो विजिट करके एक बार पूछ सकते हैं कि वेदर दिस इज इफ दिस इज ए करेक्ट, देन नेक्स्ट हेयरिंग विल बी ऑन द 26th सितंबर। तो उसके बाद ये इन्होंने फर्दर ये कुछ ऑर्डर्स मतलब इसी के साथ ये बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे
अगर यहाँ पे कोई करेक्शन है या ये फेक न्यूज़ है, आई डोंट नो। अब इसमें क्या ये आगे फर्दर कोई डिसीजन अगर आता है, अगर ये 29th को ही 26th ऑफ अगर राइट न्यूज़ है और 26th ऑफ सितंबर को ही नेक्स्ट इसकी हियरिंग होगी, तो देन इट विल बी ए सम टाइम, दे विल टेक सम टाइम फॉर द काउंसलिंग। अब क्या डिसीजन होता है, लेट्स सी क्या जेके वोपी इसके ऊपर डिसाइड करता है। अभी तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस न्यू ये जो स्क्रीनशॉट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वेदर दिस स्क्रीन शॉट इज़ रिलेटेड टू डैट जेके वोपी एडमिशन और नॉट, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, अब ये उन्होंने इसी न्यूज़ की, मैंने स्क्रीन शॉट आपको मैंने पहले बताया उसी के साथ ये नीचे शो हो रहा था, डिलेड अगेन कोर्ट पोस्टपोन हियरिंग चेक फुल डिटेल्स हेयर, तो उन्होंने ऐसे शो किया हुआ ये आ रहा था। तो नेक्स्ट जो मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ रिगार्डिंग द एडमिशन, वो है रिलीज ऑफ द एडमिट कार्ड फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस CUET पोस्ट ग्रेजुएशन 2022, इसका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। ठीक है, और कंडक्ट किया जाएगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर द PG इन 2 shift 10 AM टू 12 PM और 3 PM टू 5 PM शिफ्ट किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट होगा, डेट्स इन्होंने मेंशन कर दिए है कब कब होगा, 1st of September, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 9th, 10th and 11th of September को ये कंडक्ट होगा। एडमिट कार्ड फॉर द डेट्स ऑफ 2nd, 2nd and 3rd September आर बीन इशूड टूडे, और ये इन्होंने आज रिलीज़ कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद कैनडा डाउनलोड द एडमिट कार्ड फॉर द स्टेट एग्जामिनेशन फ्रॉम द NATA वेबसाइट, NTA वेबसाइट, और ये वेबसाइट का उन्होंने डिटेल दी, यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू नोट द फॉलोइंग, ये इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं क्योंकि ऑल ओवर इंडिया ये कॉमन ये टेस्ट चल रहा है, तो मैं सोचा इसके बारे में भी मैं आपसे ये चीज़ शेयर कर दूँ रिगार्डिंग द एडमिट कार्ड, ये जो नोटिफिकेशन आया है। और अनदर एक नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है फ्रॉम जेके फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी, और यह है जम्मू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा JUET 2022 एडिशन ऑफ मोर प्रोग्राम एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट इन्होंने कर दिया है। इन्होंने अंडर द ग्रेजुएट प्रोग्राम एडिट अंडर द एडमिट, फिर इन्होंने सेशन ये BCA डाटा साइंसिस अंडर NEP, ठीक है, एट भद्रवा कैंपस, और BA BEd इंटीग्रेटेड, ठीक है, यहाँ पर भी फर्दर द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म फॉर जम्मू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट JUET इसके लिए वो एक्सटेंड कर दी है 5th of September तक विदाउट एनी लेट फीस एंड अप टू 7th of September जिसमें लेट फीस लगेगी 130 रुपीज़। 5 सितंबर से पहले तक भरते हैं तो कोई लेट फीस नहीं, और अगर 7 सितंबर तक भरते हैं तो 130 रुपीज़ एडिशनल लेट फीस आप उसको दे सकते हो JUET का, जो इन्होंने एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करना है जम्मू यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पर फर्दर चीज़ें दी है, वन टाइम एडिट ऑप्शन विल बी एक्सटेंडेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स टू मेक एनी करेक्शन अपलोड एनी लेफ्ट आउट डॉक्यूमेंट्स इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 8th of 8th और 9th तक इन्होंने ये करेक्शन विंडो ओपन रखी है 2 दिन के लिए, तो आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हो इस एंट्रेंस टेस्ट का जो कंडक्ट करेगी जम्मू यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड्स, मैंने आज 3 आपसे चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, 3 न्यूज़ शेयर कर ली हैं। सबसे पहले तो जो मैंने वोपी की आपसे शेयर की है, जेके आपका वोपी की जो न्यूज़ मैंने शेयर की है, इसमें मैं आपको पहले भी बता देता हूँ, इस न्यूज़ का जो डाटा मुझे अवेलेबल मिला नेट पे एट प्रेजेंट, मैंने सर्च किया जो मिला मैंने आपके साथ वो शेयर किया, वेदर इट इज़ ऑथेंटिक इफ़ इट इज़ आई एम नॉट श्योर कितनी ऑथेंटिसिटी है इस न्यूज़ में। आप अपने NCB को ज़रूर चेक कर लीजिए, जेके वोपी ऑफिस में विज़िट कर लीजिए, पूछ लीजिए कि आप सर कब तक काउंसलिंग होगी, वो आपके ऊपर है। ठीक है, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर ये न्यूज़ सच है देन इट विल टेक सम टाइम मोर टाइम टेकन बाय द जेके वोपी टू कंडक्ट द काउंसलिंग ऑफ द 10th बेस पैरामेडिकल, 12th बेस पैरामेडिकल एज वेल एज द BSc नर्सिंग एंड BSc पैरामेडिकल। फ्रेंड्स, देखिए आपके सामने ही है अभी तक और सारे एंट्रेंस टेस्ट भी कंडक्ट हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ पेशेंस रखिए, ऐसा कुछ नहीं है, आपको टाइमली सब कुछ
आपकी डिग्री, आपका एडमिशन, आपकी क्लासेस सब कुछ हो जाएगा। हाँ थोड़ा टाइम लग रहा है अभी, आप जैसे आपके सामने स्क्रीन पे देखिए अभी जम्मू यूनिवर्सिटी भी अपने एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कर रही है फॉर द एडमिशन 2022, बिकॉज ऑफ कोविड भी पहले रह चुका है जिसकी वजह से सारा चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिले चल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, एंट्रेंस था पहले तो ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी, जब फर्स्ट वेव आई थी तब भी एडमिशन हुई, सब कुछ चला, तो ऐसी बात नहीं है। तो आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, और जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पे करें सब्सक्राइब मेरे चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो, उधर भी अपने क्वेश्चन सपोर्ट अप कर सकते हो। जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।